Welcome back again, and we have one more important theory from your textbook, that is theory of collision. देखो, हम बात कर रहे थे rate of reaction की, या तो chemical reaction की. कोई भी chemical reaction होता है, let's say कि हमारे पास एक reaction है, okay, A plus B, या तो A2 plus B to give you C2AB. Let's say this reaction is there, okay. But ये reaction तभी होता है कि जब A2 के molecules and B2 के molecules के बीच में collision होता है. For any chemical reaction, there has to be most important condition required is there has to be collision. If there is no collision between the reactant molecule, there is no product is obtained. So theory of collision is going to explain you that part. The theory of collision for the chemical reaction was developed by Mr. Max Strauss and William Lewis. This principle deals with the two important aspects. The first aspect is energetic, and the second aspect is mechanistic matter of the reaction. They say कि जब यहाँ पे कलिजन होने वाला है दो मॉलिक्यूल्स के बीच में, उस टाइम पे पहला पार्ट मैकेनिस्टिक मैटर. मैकेनिस्टिक का मतलब ये होता है, दे कंसिडर देम कि ये जो मॉलिक्यूल्स है दे आर हार्ड स्फीयर्स. दैट वाज द फर्स्ट पार्ट. दे सपोज्ड, इट इज सपोज्ड द मॉलिक्यूल्स आर ऑफ हार्ड स्फीयर्स, एंड व्हेन द कलिजन इज टेकिंग प्लेस देर इज अ चेंज ऑफ एनर्जी. देर इज अ चेंज ऑफ एनर्जी टेक प्लेस. टू इंपॉर्टेंट थिंग्स, रिएक्शन ओनली अकर्स व्हेन दिस मॉलिक्यूल कोलाइड विद ईच अदर. सपोज आपके पास जो कंटेनर है जहां पे ये रिएक्शन होने वाला है उसका वॉल्यूम है V, देन दे फाइंड आउट हाउ मेनी नंबर्स ऑफ कलिजन्स आर टेकिंग प्लेस इन अ यूनिट वॉल्यूम. यूनिट वॉल्यूम क्यूबिक मीटर या तो क्यूबिक सेंटीमीटर, उसके अंदर हाउ मेनी नंबर्स ऑफ कलिजन बिटवीन A एंड B आर टेकिंग प्लेस. दैट नंबर ऑफ कलिजन इन अ यूनिट वॉल्यूम इज नोन एज अ फ्रीक्वेंसी. द नंबर ऑफ कलिजन पर सेकेंड per unit volume is called collision frequency Z. And the other part which is required is energy of activation. Energy of activation में आगे पे भी समझा रहा था. Energy of activation detail में मैं next topic में बताने वाला हूँ. So do not worry about it. What is energy of activation? But energy of activation is the energy minimum required, extra required to okay start any reaction. Suppose a bimolecular reaction is taking place. Let's say मैंने A2 B2 वाला लिया था. They are saying let's say a reaction between A and B and gives you a product P. Then after study of experiments they came to know that rate will be always equal to ZAB e raised to minus EA by RT. Again ये एक formula हमें ऐसा दिया गया है जिसको कैसे derive किया वो नहीं बताया गया. उन्होंने final कंक्लूजन दिया हुआ है कि इसका रेट हमेशा फ्रीक्वेंसी पे से डिपेंड रहता है. रेट इक्वल्स टू जेड ए बी ई ओके ई रेस टू माइनस ई ए बाय आर टी. जस्ट नाउ वी हैड सीन वन इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन, दैट इज द अरहेनियस रिलेशनशिप बिटवीन रेट कॉन्स्टेंट एंड टेम्परेचर. दैट वॉज के इक्वल्स टू ई रेस टू माइनस ई ए बाय आर टी, और आगे था अरहेनियस कॉन्स्टेंट ए. पर अगर आप ध्यान से देखते हो तो कहीं ना कहीं रेट एंड के, रेट कांस्टेंट के बीच में रिलेशनशिप एस्टेब्लिश होती है. दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. रेट एंड रेट कांस्टेंट आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. सो यहां पे एक टर्म है e रेस टू माइनस ea बाय rt, एंड इस तरफ भी एक टर्म है e रेस टू माइनस ea बाय rt. दे आर कॉमन टर्म इन बोथ द एक्सप्रेशन. दोनों में इक्वल टर्म है. तो उसका मतलब ये होगा अगर रेट के से रिलेटेड है देन zab हैज टू बी रिलेटेड विद a. सो वेयर ZAB collision frequency है, and उसको जब compare किया गया Arrhenius equation के साथ, then it can be said that Arrhenius constant A is related to frequency factor ZAB. ये दोनों के बीच में relationship है. That's why जब मैं आपको आगे बता रहा था कि A को हम बोलते हैं frequency factor, because A और frequency के बीच में relationship है. Okay. A और frequency. Is this fine? So, theory of collision हमें क्या बता रही है? अगर हमारे textbook के हिसाब से हम देखने जाए क्या theory of collision पूछे, तो हमें पहला point लिखना है, but there is a reaction तब भी होगा जब दोनों के बीच में collision होता है. पहली चीज ये बताओ, उस टाइम पे बताओ कि दो साइंटिस्ट ने उसको डिस्कवर किया और उन्होंने कौन से पैरामीटर्स को कंसीडर किया. एक एनर्जेटिक पैरामीटर एंड दूसरा मैकेनिस्टिक. एनर्जेटिक पैरामीटर अभी तक डिस्कस नहीं किया, बट मैकेनिस्टिक में उन्होंने ये बताया कि हार्ड स्फीयर्स कंसीडर करके उन्होंने डिराइव किया और एक्सप्रेशन लेके आया. उसके बाद उसको कंपेयर किया गया किसके साथ, अरहेनियस इक्वेशन के साथ, और कलिजन फैक्टर हमें बताया गया. वन मोर थिंग
ये जो थियोरी है, बस हमें इतना पहले लिखना है, उसके बाद बताना कि ये थियोरी इट इज गुड। अगर रिएक्शंस काफी ऐसे सिंपल है, सिंपल रिएक्शन के लिए थियरी आप सीधी लगा सकते हो कि कलिजन फ्रीक्वेंसी यानी कि फ्रीक्वेंसी फैक्टर्स को हम कंसीडर करके रेट डिटरमाइन करें। बट खाली कलिजन फ्रीक्वेंसी को यूज करते हुए कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए रेट डिटरमाइन नहीं कर सकते। मेरा कहने का मतलब यह था कि ये जो एक्सप्रेशन हमने डिराइव किया सिंपल रिएक्शन के लिए यूजफुल है। ओके, जब आपके पास कॉम्प्लिकेटेड रिएक्शन होते हैं तब खाली ये पैरामीटर काम में नहीं आएगा। क्यों मैं समझाता हूं, जरा ध्यान से समझिए। यहां पे मैं आपको और एक रिएक्शन बता रहा हूं। लेट्स से कि हम बात कर रहे हैं 2HI इज गिविंग यू H2 प्लस I2, बराबर है कि नहीं? अभी जरा ध्यान से देखेंगे। 2HI का मतलब हो गया ये H है हमारा और ये एक I है। ये HI हुआ, लेट्स से दूसरा भी हमारे पास और एक HI है। दो HI यहां पे सबसे पहले कलाइड होंगे। कलिजन जब होता है, आफ्टर कलिजन वन मोर थिंग हैज टू टेक प्लेस इज ओके ब्रेकिंग ऑफ बोन। HI-HI का बोन ब्रेक हुआ एंड देन ओके H2 और I2 बना। अगर मैं रिकैप करता हूं तो पूरा ऐसे हुआ, आपके पास दो HI के मॉलिक्यूल थे, दोनों के बीच में कलिजन हुआ, बॉन्ड ब्रेक हुआ एंड दो H2 और I2 बने। ये रिएक्शन के लिए काफी सिंपल था, कोई प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन जरा ध्यान से हम देखते हैं, सपोज हमारे पास ये जो HI के मॉलिक्यूल थे इस जैसे अभी कलाइड हुए, उसकी जगह पे थोड़ा अलग तरीके से कलिजन हो रहा है। तो हम कैसे अलग तरीके से हो रहे हैं, मैं बता रहा हूं आपको। लेट्स से ये हमारा HI है दूसरा वाला, ओके ये भी HI है, ये भी HI है। जब इनका कलिजन हुआ, लेट्स से कि ये कलिजन हुआ, कलिजन होने के बाद बॉन्ड टूटे, इसका भी बॉन्ड टूटा, इसका भी बॉन्ड टूटा एंड देन नया बॉन्ड बना। जब नया बॉन्ड बनता है तो वापस क्या बना, HI बना। इसमें जरा ध्यान से देखते हैं कि हो क्या रहा है, कि जब बॉन्ड यहां पे जो कलिजन हो रहा है और कलिजन इस तरीके से हो रहा है कि उसका डायरेक्शन प्रॉपर नहीं था। जब फर्स्ट बार कलिजन हुआ था तब डायरेक्शन काफी प्रॉपर था। ओके, जब ये डायरेक्शन से कलिजन होता है तो प्रॉब्लम नहीं है, तो H2 और I2 मिलता है। बट जब ये डायरेक्शन से कलिजन यहां पे हो रहा है, सो कलिजन इज रिक्वायर्ड। अपार्ट फ्रॉम कलिजन व्हाट एल्स इज रिक्वायर्ड इज प्रॉपर डायरेक्शन, प्रॉपर डायरेक्शन। डायरेक्शन इज ऑल्सो मेक्स अ डिफरेंस। चलो ये इसके अंदर तो जरा समझ में आता है। ओके, और एक रिएक्शन जो मैं हम लोग सीख चुके हैं, ओके लास्ट टर्म के अंदर मैं बताता हूं। Do you remember this reaction? अगर हमारे पास let's say ब्रोमोमीथेन है, उसको हम रिएक्ट कर रहे हैं OH माइनस यानी कि SN रिएक्शन कर रहे हैं, जहां पे OH माइनस इज सब्स्टिट्यूट इज गोइंग टू सब्स्टिट्यूट BR एंड आपको मिलने वाला है मिथेनॉल। उसमें होता क्या है कि दिस Br माइनस इज ऑल्सो नेगेटिव बिकॉज हैलोजन है, वो इलेक्ट्रोनेगेटिव रहता है और जब न्यूक्लियोफाइल उस पर अटैक करता है, ये न्यूक्लियोफाइल अगर सामने से अटैक करेगा ना तो ये रिएक्शन कभी नहीं होने वाला, क्योंकि इन दोनों के बीच में क्या होने वाला, रिपल्सन। दिस OH माइनस हैज टू अटैक फ्रॉम द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ Br माइनस, तभी ये रिएक्शन होगा। तो जब ऐसे रिएक्शन आते हैं जिसमें डायरेक्शन ऑल्सो प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल, देन वी हैव टू फाइंड आउट ए प्रोबेबिलिटी फैक्टर। कि जब ऐसे लाखों मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, तब देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स आर गोइंग टू कलाइड फ्रॉम ए प्रॉपर डायरेक्शन, दैट प्रोबेबिलिटी फैक्टर भी हमें कंसिडर करना होता है। आर यू गेटिंग मी? तो उसके लिए जरा यहाँ पे हमारे टेक्स्ट बुक वापस आ जाते हैं। सो अपार्ट फ्रॉम द नॉर्मल रिएक्शंस, ओके वो बता रहे, द रिएक्शन हैविंग एटॉमिक स्पीसीज ऑफ सिंपल मॉलिक्यूल्स कैन बी डिटरमाइन एक्यूरेटली बाय यूजिंग दिस इक्वेशन व्हिच वी नो। नॉर्मल इक्वेशन यूज करो, ये इक्वेशन सिंपल वाले के लिए प्रॉब्लम नहीं है, बट देर इज अ नोटेबल डिविएशन फॉर कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल।
The reason for this is that all the collisions do not result into product. Those collision in which molecule collide with sufficient kinetic energy, that means उसके पास sufficient energy है, threshold energy, and proper direction, then the bonds of reactants break and the bonds of products are formed, and such collisions are known as effective or fruitful collision. यहाँ पे वो एग्जाम्पल जो मैं आपको बताया था, ब्रोमोमीथेन को हम रिएक्ट कर रहे हैं ओके OH- माइनस के साथ, वो डिटेल में वापस यहाँ पे भी समझाया गया है ओके टेक्स्ट बुक के अंदर. जब ब्रोमोमीथेन है OH- माइनस से रिएक्ट कर रहा है, प्रॉपर ओरिएंटेशन इज OH- माइनस फ्रॉम द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ Br, एंड देन द प्रोडक्ट इज ऑब्टेन. इफ इट इज डायरेक्टली फ्रॉम द अपोजिट जस्ट एग्जिट फ्रंट ऑफ द Br- माइनस सेम डिरेक्शन से आता है, देन इज नॉट गोइंग टू रिएक्ट, नो प्रोडक्ट इज ऑब्टेन. So, ये जो पैरामीटर है द इफेक्टिव कोलिजन, अनदर पैरामीटर विच इज कॉल्ड स्टेरिक फैक्टर और प्रोबेबिलिटी फैक्टर विच वी नीड टू इंट्रोड्यूस, और हमारा जो थ्योरी कोलिजन का जो इक्वेशन है उसको चेंज करेंगे एंड लिखेंगे रेट इक्वल्स टू पी इंटू जेड एबी ई रेस टू माइनस ई ए बाय आर टी, वेयर पी स्टैंड्स फॉर प्रोबेबिलिटी फैक्टर. एंड थ्योरी ऑफ कोलिजन को वी कैन कंक्लूड इन ओके पूरा कंक्लूजन ये आएगा, द फर्स्ट थिंग the collision has to be there for the reactant, then and then product will be obtained. There must be certain minimum energy, react karne ke liye minimum energy chahiye, jisko hum threshold energy bolte hain. Threshold energy aur activation energy mein kai baar student galti karte hain okay, that is my next topic, threshold energy aur activation energy mein difference kya hai, next topic mein bata raha hu. But there has to be minimum required energy, usko kya bolenge, threshold energy, for the reactant experiencing collision. The collision of the reactant molecule should be from the proper direction, and the after direction proper collision there has to be a proper product milna hi chahiye. To char point ki ye theory hai, collision is important, threshold energy is important, third there has to be proper direction, and then after collision it has to convert into product, to hi aapko milega. Ye collision theory hai agar aapko pucha jaye. डिफिकल्ट थियरी नहीं है, समझे स्टूडेंट से, ओह कलिजन थियरी क्या है, कोई बड़ी चीज नहीं है. यू लर्न स्टेप बाय स्टेप, अंडरस्टैंड स्टेप बाय स्टेप एंड राइट इट स्टेप बाय स्टेप, ओके डिफिकल्ट नहीं है. वन इंपॉर्टेंट एडवांटेज ऑफ दिस थियरी, काफी सारे एडवांटेज हैं, बट एक छोटा सा एडवांटेज समझा देता हूँ. ऑल ऑफ अस वी नो नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन का जब रिएक्शन होता है इज गोइंग टू प्रोड्यूस नाइट्रिक ऑक्साइड, ओके अकॉर्डिंग टू थर्मोडायनेमिक्स ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है. स्पॉन्टेनियस मतलब अपने आप होने वाला रिएक्शन है. अगर इसके हिसाब से देखें तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन कब का रिएक्ट करके NO बना देना चाहिए, बिकॉज एटमोसफियर में 78% नाइट्रोजन है एंड 21% ऑक्सीजन है. उसका मतलब है कि ये दोनों एटमोसफियर में कंटिन्यूस रिएक्शन करते ही रहने चाहिए. कंटिन्यूस अगर रिएक्शन करे हमें प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक प्रॉब्लम बड़ा ये हो जाएगा, रिएक्शन करने से हमारे लिए ऑक्सीजन बचता नहीं है रेस्पिरेशन के लिए. और ये रिएक्शन अगर थर्मोडायनेमिक्स के हिसाब से देखने जाओ, देन इट इज पॉसिबल सिंस फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द अर्थ, जब से अर्थ का जनरेशन हुआ, एंड आई थिंक सो करोड़ ऑफ इयर्स पहले अर्थ का जनरेशन हुआ, तब से एटमॉस्फेयर में ये दोनों हैं, तो ये दोनों रिएक्ट करके ऑक्सीजन तो कब का खत्म हो जाना चाहिए था. खाली वो थियरी के बेस पे अगर आप जाते हो तो नाउ, अभी हमें ये जो थियरी ऑफ कलिजन पढ़ाई गया उसके बेस पे हमें काफी डिटेल में पता चलता है कि अभी भी ऑक्सीजन अर्थ पे क्यों है और हम क्यों जिंदा है. खाली ये थर्मोडायनेमिक्स की थियरी पे मत जाओ. थियरी ऑफ कलिजन बताती है कि ये रिएक्शन होने के लिए आपको थ्रेशोल्ड एनर्जी चाहिए, दैट इज इक्वल टू नॉर्मली फॉर दिस रिएक्शन लाइटनिंग की एनर्जी. जब थंडरिंग एंड लाइटनिंग होता है ना तभी ये रिएक्शन होता है, वरना ये रिएक्शन नहीं होगा. थियरी ऑफ कलिजन ये बताता है थंडरिंग लाइटनिंग ओके जब बारिश की सीजन होती है तब डेफिनेटली होता है, लेकिन वो एक पर्टिकुलर जगह पे ही होता है. जगह पे थंडरिंग लाइटनिंग हुआ वहीं का नाइट्रोजन ऑक्सीजन यूज होता है, पहला चीज. दूसरा चीज, ऑन एन एवरेज डिटरमाइन किया गया कि थंडरिंग लाइटनिंग हुआ आफ्टर नेक्स्ट 5000 इयर्स तक होने वाला नहीं है, एवरी 5000 ईयर में पर्टिकुलर जगह पे थंडरिंग एंड लाइटनिंग यूज होता है, तो 5000 ईयर में वही जगह का नाइट्रोजन ऑक्सीजन यूज होता है, विच कैन बी अगेन रिप्लेनिश बाय द लाइफ साइकिल्स. इसलिए अभी भी ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन का प्रोपोर्शन सेम है. दैट्स द एडवांटेज. That's what they said over here. Thundering and lightning. Are you understanding this?